हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम टू आर माय यूट्यूब चैनल। हियर इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट नित्य सेवनी द्रव्य एंड अनित्य सेवनी द्रव्य। ओके, तो व्हाट शुड वी डेली कंज्यूम, हमें क्या डेली लेना चाहिए, कौन से आहार लेने चाहिए, कौन से आहार नहीं लेने चाहिए। तो जो लेने चाहिए उन्हें हम बोलते हैं नित्य सेवनी द्रव्य। नित्य मतलब हमेशा। ओके, तो ऑन द रेगुलर बेसिस, ऑन द डेली बेसिस हमें ये आहार लेने चाहिए। ओके, तो उनकी लिस्टिंग मैंने यहाँ पे की है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नित्य सेवनी द्रव्य। उन्हें हम पथ्य और अपथ्य आहार भी बोलते हैं। ओके, तो पथ्य मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए, और अपथ्य मतलब अनित्य सेवनी द्रव्य। ओके, तो जिनका हमें परित्याग करना है, जिनका हमें प्रिवेंट करना है, उनसे हमें प्रिवेंट करना है, या फिर वो आहार हमें नहीं लेना। ओके, तो नित्य सेवनी द्रव्य मतलब ये रहता है कि उनका हमें शीलन करना है, उनका हमें अभ्यास करना है कि वो हमारे जो रेगुलर बेसिस, जो लाइफस्टाइल हम जो जी रहे हैं, जो भी हमारा जो चल रहा है, वो हम रेगुलर बेसिस पर उसको यूज़ कर सके। ओके, तो उनका शीलन करना है। तो उनकी इनलिस्टिंग मैंने यहाँ पे की है। तो शालिधान मतलब जो जितने भी सेरल्स रहते हैं, जितने भी चावल्स रहते हैं। ओके, तो उनको हम शालिधान्य के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो शुक धान्य में उनमें क्या आता है, शालिधान्य, और वहाँ पे तृण धान्य आता है। तो तृण धान्य मतलब वहाँ पे हम जिनको हम बोलते हैं अपने जो गेहूँ, जो भी वीट्स, ओके, जिनमें बार्ली, यव, ओके, तो गेहूँ, यव, जितने भी गोधूम, यव, ये सभी जो कंटेंट आते हैं उनको हम तृण धान्य करते हैं। और जो चावल, वहाँ पे वेराइटी ऑफ चावल है, तो कलमशाली, ओके, रक्तशाली, षष्ठीशाली, ओके, तो देर आर नंबर ऑफ वैरायटी होती है राइस की। तो बासमती, जैसे हम बासमती राइस, ऐसे भी जो क्वालिटी होती है, तो उनको हम शुक धान्य के अंतर्गत रखते हैं। शुक धान्य मतलब इनमें दो वैरायटी आती है, हमारा शाली धान्य और हमारा तृण धान्य। तृण धान्य मतलब उनमें हम अपने जो गोधूम, जो यव, बार्ली, वीट, इनको हम रखते हैं। और जो हमारा शाली धान्य आता है उनमें हम अपने चावल्स, यानी कि जो राइस के वेराइटीज होते हैं, उनको हम प्लेस करते हैं। ओके, तो गोधूम, तो शाली धान्य मतलब चावल वगैरह जो भी वेराइटी होती है, और जो हमारा जो गोधूम है, इनको हम तृण धान्य में रखते हैं। दोनों को अल्टीमेटली वो शुक धान्य है। शुक धान्य मतलब इनके जो जिनसे वो निकलता है। ओके, तो इनके जो फल होते हैं, जिनसे वो अल्टीमेटली जो राइस या फिर जो गेहूं हमें जो गेन होता है, तो उनको हम बोलते हैं शुक। शुक मतलब काटे। ओके, तो इनके जो प्लांट रहता है, प्लांट यू कैन से दैट इनका जो अल्टीमेटली जो फील्ड होती है, वो उस फील्ड में जो वो ग्रो होते हैं, तो उनमें कांटे होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड शुक। तो शुक धान्य में शाली धान्य और तृण धान्य दोनों आते हैं। तो यह मतलब अगेन, ये हमारे जो बार्ली होते हैं, ओके, तो गोधूम ये मधुर रस का होता है, शाली धान्य अगेन मधुर रस का होता है, गोधूम जो हमारे जिसे हम गेहूँ बोलते हैं, ओके, तो वीट फ्लावर, या फिर जो हमारे बार्ली फ्लावर, ओके, तो बार्ली फ्लावर सॉरी गोधूम जो ये रहता है, ये मधुर रस का होता है। और अल्टीमेटली आप ये सोचते रहोगे कि मधुर रस होते हैं वो कफ को बढ़ाते हैं, या फिर कफ का जो प्रकोप करते हैं, कफ दोषों का प्रकोप करते हैं। लेकिन मधुर जो रस होते हैं, जब हमने डिटेल में पढ़ा था मधुर रस, ओके, तो उनमें वहाँ पे मैंने उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया था। ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स वहाँ पे मैंने बताया था कि मधुर रस के होने के बावजूद भी कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो मधुर, जो मधुरता उनकी होती है, उनसे कफ की वृद्धि नहीं होती है, उनमें कफ का प्रकोप नहीं होता है। जैसे कि गोधूम हो गया, जैसे यव हो गया, जैसे कि शक्कर हो गए, ओके, जैसे मधु हो गया, घृत हो गया, ये सभी मधुर रस के होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं, मधुर कफ का प्रकोप नहीं करते। ओके, शाली धान्य में मधुर रस का होता है। ओके, षष्ठी चावल, ओके, अगेन द वैरायटी ऑफ शाली धान्य, ओके, षष्ठी चावल मतलब साठी चावल भी बोलते हैं। ओके, तो साठी चावल इसलिए इसका यानी कि षष्ठी चावल, साठी चावल, ये सभी इनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो चावल जो रहता है, ये जो वैरायटी होती है राइस फील्ड की, ये 60 डे में ग्रो होता है। ओके, मुदगयूष, अगेन जैसे कि यहाँ पे शुक धान्य की मैं बात कर रहा था, ये शिमी धान्य या शमी धान्य, तो शमी धान्य जैसे कि यहाँ पे शुक धान्य जो मैं बोल रहा था कि वो मोनोकोटिलेडन के अंदर का आते हैं। तो हमारा जो चावल होता है, जो राइस फील्ड होती है, यानी कि जो राइस होती है, या फिर जो हमारा गोधूम यानी कि जो वीट होते हैं, बार्ली होते हैं, ये सभी मोनोकोटिलेडन के अंदर का आते हैं। ओके, और जो मुदगयूष यानी कि जितने भी पल्सेस आते हैं, जितने भी दाल आते हैं, मुदगयूष हो गए, वहाँ पे माश हो गया, उड़द दाल हो गया, वहाँ पे दैट इज किलोए, ओके, तो किलोए एक अगेन वहाँ पे वैरायटी होती है। ओके, तो वहाँ पे मटर दाल जिसे हम बोलते हैं, तो ये सभी जो पल्सेस होती है इन्हें हम दाल की वैरायटी में रखते हैं। ओके, तो वो सभी क्या होते हैं, डाइकोटिलेडन के अंतर्गत आते हैं, इनमें फली का निर्माण होता है, उनको हम बोलते हैं शिम्बी। ओके, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, शिमी धान्य। तो शिमी धान्य के अंतर्गत हमारा जितने भी पल्सेस आते हैं, जितने भी डाइकोटिलेडन आते हैं, उनको हम प्लेस करते हैं। तो उनमें से मुदगयूष जो हमारा होता है बेस्ट वहाँ पे पल्स होता है, इसलिए हमें नित्य सेवनी द्रव्य इनको ऑन द रेगुलर बेसिस पर, ऑन द डेली बेसिस पर हमें इनका कंज्यूम करना है। और अगर कंज्यूम नहीं भी कर रहे हैं
तो आपको इनको कंटिन्यू आपको ऐसा आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि इनको डेली आपको कंज्यूम ही करना है, दैट इज़ फिक्स्ड, ओके। क्योंकि जो यहाँ पे जो मेंशन किए गए तो अल्टीमेटली ऐसे भी मधुर रस के कुछ द्रव्य हैं, कुछ यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊँगा कि कुछ अलग रस के भी द्रव्य होते हैं, तो ये सभी त्रिदोष को बैलेंस करते हैं। अल्टीमेटली त्रिदोष का बैलेंस अगर वहाँ पे बना रहेगा तो हमें कोई भी व्याधि देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जितनी भी व्याधि हमें शरीर में या फिर बॉडी में देखने को मिलती है, ओके, तो वो सभी जो व्याधि होती है त्रिदोष के प्रकोप की वजह से होती है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोई त्रिदोष के प्रकोप में से कोई एक दोष कभी प्रकोप होता है, तो कभी वहाँ पे दो दोष प्रकोप होते हैं, कभी कभी तीनों दोषों का प्रकोप होकर एक व्याधि निर्माण होता है, उन्हें हम सन्निपातक व्याधि बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली दोषों का विशेषण इन जो यहाँ पे नित्य सेवनीय द्रव्य जो आते हैं इनसे इनका विशेषण नहीं होता है, इनसे इनका प्रकोपित या फिर इनका दुष्टि, जो दोषों की जो दुष्टि होती है ये सभी नहीं रहती है, और वात पित्त कफ जो तीनों दोष जो रहते हैं ये नॉर्मल फ्लो में सभी स्त्रोतस में सभी चैनल्स में नॉर्मल इनका फ्लो होते रहता है, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पे इनका नित्य सेवनीय द्रव्य यानी कि इनका ऑन द रेगुलर बेसिस इनका हमें शीलन करना है, इनका हमें अभ्यास करना है, इनका हमें उपयोग करना है, ओके। तो यहाँ पे त्रिफला बताया, तो त्रिफला दैट इज़ नथिंग बट द तीन कंटेंट आते हैं जिनमें तीन फलों का योग होके इनको त्रिफला बोलते हैं, ओके। तीन प्लांट हरितकी, टर्मिनेलिया चेबुला, विभितकी, ओके, तो टर्मिनेलिया बेलेरिका, और जो आमलकी जिसे हम आंवला बोलते हैं, ओके, तो हरण यानी कि हरितकी और बहेड़ा यानी कि बहड़ा या फिर बहेड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उनको हम विभितकी इंक्लूड करते हैं, और आंवला दैट इज़ कॉल्ड एज आमलकी एम्बेलिका ऑफिसनेलिस। तो तीनों के फलों को मिलाकर यानी कि हरण यानी कि हरितकी के एक फल यानी कि हरण और वहाँ पे विभितकी यानी कि बहेड़ा, ओके, तो उनके एक फल और आमलकी के फल तीनों को मिलाकर जो अल्टीमेटली जो कंटेंट होता है उनको हम त्रिफला बोलते हैं। और त्रिफला का जो चूर्ण होता है, त्रिफला पाउडर बोलो या फिर त्रिफला मेडिकेटेड वहाँ पे घृत होता है, यानी कि त्रिफला के कंटेंट को हम घृत में निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि घृत में त्रिफला के कंटेंट आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड घृत बोलते हैं, या फिर ऑयल में हम क्या करते हैं, त्रिफला के कंटेंट को निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑयल में त्रिफला के कंटेंट आ जाते हैं, और उन मेडिकेटेड ऑयल मेडिकेटेड घृत का हम सेवन करना है, नित्य सेवन करना है, रेगुलर बेसिस पे हमें सेवन करना है। तो इनका जो सेवन करने की जो विधि आती है, तो बिफोर द फूड प्रागभक्त यानी कि बिफोर द फूड या फिर आफ्टर द फूड दैट इज़ कॉल्ड एज वहाँ पे अंतभक्त, ओके, तो आफ्टर द फूड या फिर ड्यूरिंग द जब आप स्लीप जाते हो, ड्यूरिंग जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ये नित्य सेवनीय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर इसका यूज़ करना है, ओके। तो इसका जब यूज़ करते हैं हम तो तीनों दोषों का बैलेंस बना हुआ रहता है। शर्करा, ओके, अगेन दैट इज़ कॉल्ड मधुर रस, शक्कर जिन्हें हम खड़ी शक्कर इंक्लूड करते हैं, ओके, तो मधुर रस का है लेकिन कफ का प्रकोप नहीं करेगा, क्योंकि ये अपवाद है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मधुर रस का अपवाद है कि मधुर रस के होने के बावजूद भी ये कफ का प्रकोप नहीं करेगा, ओके। अब हम और एनलिस्टिंग करते हैं, तो घृत जिसे हम घी बोलते हैं, ओके, तो ये बेस्ट वहाँ पे जो मेद्य प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो ब्रेन टॉनिक होता है हमारा, ये घृत सबसे बेस्ट ब्रेन टॉनिक होता है, क्योंकि घृत जो होता है ये मधुर रस का होता है लेकिन कफ का प्रकोप नहीं करता है, और ऊपर से ये पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है, और क्या करता है, दीपन पाचन एक्टिविटी करता है, शीत वीर का द्रव्य है, उष्ण वीर का द्रव्य नहीं है, और इंस्टिट दे इनहेंस द डाइजेस्टिव फायर, ओके। तो उष्ण वीर वाले द्रव्य अधिकतर देखे जाते हैं कि वो दीपन पाचन का काम करते हैं, दीपन पाचन मीन्स जो डाइजेस्टिव फायर जो होते हैं उनको अगर वो यानी कि जो जठर अग्नि जिसे हम बोलते हैं जो फूड को डाइजेशन करने में जो हेल्पफुल होते हैं, ओके, तो अगर उनको वो बढ़ाते हैं तो उनको हम बोलते हैं दीपन। अगर पाचन मतलब ये रहता है कि उस जो फूड जो हमारे अल्टीमेटली जो हमने लिया है, जो हमने खाया है, या फिर डाइजेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं पाचन द्रव्य। पाचन द्रव्य क्या करते हैं, फूड को अल्टीमेटली क्या करते हैं, पचाने में या फिर उनको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। और दीपन जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जठर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, ओके। तो दोनों का डिफरेंट रोल होता है। तो पाचन द्रव्य ऐसे थे पचेत न आमम वन्नीकृत च दीपनम, ओके, तो जो फूड कंटेंट आए उनको पचाने के बावजूद उनको ना पचाते हुए, उनको ना उनके डाइजेशन में कोई हेल्पफुल ना करते हुए डायरेक्टली डाइजेस्टिव फायर को जो बढ़ाते हैं उनको दीपनीय द्रव्य बोलते हैं। पाचनीय द्रव्य ऐसे आते हैं उनको हम वो क्या करते हैं, पचेत आमम वन्नीकृत च दीपनम, ओके। तो नॉट ऐसा श्लोक नहीं रहता है, श्लोक समथिंग ऐसा रहता है कि वहाँ पे पचती आमम न वन्नीकृत च ऐसा पाचनम, ओके, तो जो वन्नी को ना बढ़ाते, जो जठर अग्नि को जो डाइजेस्टिव फायर को नहीं बढ़ाते, और जो कंटेंट हमने लिया है, जो कंटेंट हमने खाया है वो उसके ऊपर ही डायरेक्ट एक्ट करते, वो उसको डायरेक्ट
क्या करते हैं उसको डाइजेशन करने में हेल्पफुल करते हैं। वो कैसे करते हैं, या तो उनका संघात जो हुआ रहता है यानी कि जो उनके बीच में बॉन्डिंग हुई रहती है फूड बॉन्डिंग, उनको ब्रेक करते हैं यानी कि उनका क्लेदन करते हैं, ओके, उनको डिसॉल्व करते हैं। और अल्टीमेटली जब डिसॉल्व हो जाएगा फूड तो वो पूरे जो गैस्ट्रिक जूसेस यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सीक्रेट हो रहा है विथ इनसाइड दैट स्टमक विथ इनसाइड दैट आमाशय पार्ट, तो अल्टीमेटली वो उसके बीच मिक्स हो जाएगा और हमारा फूड जो होता है अल्टीमेटली बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, ओके। तो घृत जो होता है ये उष्ण वीर्य का द्रव्य नहीं है, उसके बावजूद ये जो होता है ये दीपन पाचन के कार्य करता है, पित्तशामक एक्टिविटी दिखाता है और मेद्य प्रॉपर्टी यानी कि ब्रेन टॉनिक है हमारा, ओके। देन दूध, ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्षीर जिसे हम बोलते हैं, ओके, मिल्क, तो मिल्क इट इज़ ऑल्सो अ बिग चॉइस फॉर आवर ब्रेन, ओके, दैट इज़ नथिंग बट द, ये भी ब्रेन के एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होता है। दूध जो होता है ये मधुरस का द्रव्य है, दैट इज़ हम इसको रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके, तो दैट इज़ नित्य इन कम्स अंडर इन द नित्य सेवनी द्रव्य, तो दैट इज़ वी कैन यूज़ इन द रेगुलर बेसिस, ओके। तो दूध जो होता है क्षीर, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत फ्लेविनॉइड्स, ओके, आयरन कंटेंट, दैट इज सो मेनी कंटेंट आर देयर विद इन इनसाइड दिस मिल्क, ओके। दूध जो होता है ये ब्रणन, घृत जो होता है, दूध जो होता है, ये सभी ब्रणन का काम करते हैं, मतलब मसल टोन को बढ़ाते हैं, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो हमारे जो रक्त धातु हो गए और अल्टीमेटली जो मांस धातु है इनका पुष्टि करते हैं, इनको बल देते हैं, इनको बढ़ाते हैं, ओके। मधु, मधु मतलब दैट इज कॉल्ड एज हनी जिसे हम बोलते हैं, ओके। सांदोलवन, सांदोलवन अगेन इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या करता है, अगर एक्सेस विशेषण अगर कहीं कफ का हुआ रहेगा तो उसको पतला करते हैं, दैट इज कॉल्ड सांदोलवन। ये भी शीत वीरात्मक द्रव्य होता है लेकिन दीपन पाचन का काम करते हैं, जठर अग्नि को बढ़ाते हैं, ओके। सांदोलवन जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं आयोडीन सॉल्ट, ओके, वो आयोडीन सॉल्ट जो होता है जिसमें आयोडीन कंटेंट जो हम आज के मॉडर्न एरा में यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली एंशियंट टाइम में ऐसा बोला गया है कि सैंदो लवण हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि जितने भी लवण होते हैं एक्सेप्ट देन दिस सैंदो लवण सच एस, वहाँ पे हम समुद्र लवण का यूज़ करते हैं जिसे हम आयोडीन सॉल्ट बोलते हैं, ओके। तो फाइव वेराइटी हमारे यहाँ पे बताए गए आयुर्वेद के अंदर, सो सैंदवम चाह समुद्रम वीड संवर्चलम चाह, देन वहाँ पे रोमक, रोमकम चाहति विज्ञेयम पंचदा स्मृतम लवणम, ओके। तो यानी कि वहाँ पे सैंदो लवण, रोमक लवण, वीड लवण, संवर्चल लवण एंड समुद्र लवण, तो इनमें से हम आज के जो टाइम में यानी कि आज के लाइफस्टाइल में जो हम यूज़ करते हैं फूड में यानी कि जो आहार जो हम सेवन करते हैं उनमें हम आयोडीन सॉल्ट सच एस दैट इज़ कॉल्ड एज समुद्र लवण का यूज़ करते हैं। लेकिन आचार्य यानी कि जितने भी एक्सपर्ट जो भी वहाँ पे हमारे एंशियंट टाइम के सच एस आचार्य अचरक, सच एस आचार्य वाग्भट और सुश्रुत, इन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट देन दिस सैंदो लवण जो हम यूज़ करते हैं वो चक्षुष के लिए हानिकारक होते हैं यानी कि नॉन बेनिफिशियल फॉर आईज़, ओके, वो आईज़ के पावर को कम कर देते हैं, आईज़ के जो वहाँ पे जितने भी जो ऑप्टिक नर्व जो भी काम करता है वो उनमें शिथिलता उत्पन्न करते हैं, ओके। तो सैंदो लवण ड्रग ऑफ चॉइस, सैंदो लवण हमें वहाँ पे रिप्लेस करना चाहिए अपने किचन में, ओके। तो वहाँ पे हमें जो आयोडीन सॉल्ट समुद्र लवण का यूज़ करते हैं, हमें सैंदो लवण का यूज़ करना चाहिए, ओके। तो वो चक्षुष के लिए हानिकारक ना होते हुए भी वहाँ पे आईज के लिए जो आई के जो पावर होते हैं उनको भी इन्हांस करता है, ओके। देन अगेन दाढ़ीम जिन्हें हम पोमोग्रेनेट भी बोलते हैं, ओके, अनार, ओके, दाढ़ीम, तो प्यूनिका ग्रेनेटम इसका लैटिन नेम आता है, तो दाढ़ीम इट इज़ अ ब्रणनम का काम करता है, ओके। तो दाढ़ीम जो होता है ये अनुष्ण वीर्य का होता है, तो दैट इज अगेन एंड अगेन नित्य सेवनी द्रव्य के अंतर्गत इन्हीं द्रव्य को रखा गया है जो किन्हीं भी दोषों का प्रकोप ना करें, ओके। तो ये अनुष्ण वीर्य का होता है और अनुष्ण वीर्य जो द्रव्य होते हैं क्योंकि हमारा जो रक्त धातु होता है वो भी अनुष्ण वीर्य का होता है, उनका जो जो स्पर्श होता है यानी कि जो उनके अगेन जो आप रक्त होता है वो हमारा शीत भी होता है और उष्ण भी होता है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, अनुष्ण, ना तो ज़्यादा शीत ना तो उष्ण, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडरेट जिसे हम बोलते हैं मीडियम, तो शीतता भी है उसके अंदर और उष्णता भी है, हम उन्हें टर्मिनोलॉजी देते हैं अनुष्ण, ओके। तो दाढ़ीम जो होता है इसकी जो पोटेंसी होती है इस फ्रूट की जो जिसे हम दंत भी जिसका परिणाम आता है जिनमें हम क्या करते हैं उनके जो फ्रूट्स जो रहते हैं उनके दांतों जैसे बीज होते हैं, ओके। तो इन सीड का यूज़ हम फ्रूट ऐसा यूज़ करते हैं और वो क्या होता है अनुष्ण वीर्य का द्रव्य होता है और वो क्या करता है रक्त शोधक का काम करता है यानी कि ब्लड प्यूरीफायर एस दो हमारा जो प्यूनिका ग्रेनेटम जो फ्रूट होता है जिसे हम अनार बोलते हैं पोमोग्रेनेट जिसे हम बोलते हैं
वो रक्त शोधक का काम करता है, क्योंकि रक्त का भी अनुष्ण वीर्य होता है और इस फ्रूट का भी अनुष्ण वीर्य होता है। अल्टीमेटली दोनों में जब सिमिलरिटी देखने को मिलती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, उसी धातु पर काम करता है। ओके, तो रक्त शोधक का काम करता है, इसलिए हमें इसलिए हमने यहाँ पे नित्य सेवनी द्रव्य में दाढ़िम को रखा है। ओके, बथुआ, ओके, दैट इज शाक वर्ग के अंदर का आता है। शाक वर्ग मतलब जहाँ पे हम पूरे प्लांट का यूज़ करते हैं फॉर आवर वेजिटेबल पर्पस। तो जितने भी वहाँ पे शाक वर्ग आते हैं, सच एज शतावरी आता है। ओके, देन अगेन वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स रहते हैं, जैसे स्पिनाच हमारे जिन्हें हम पालक बोलते हैं, तो ये सभी शाक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चक्र, वहाँ पे चक्रधर्म आता है। ओके, देन अगेन वहाँ पे ऐसे समथिंग और भी रहते हैं, तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर नेम। ओके, तो वहाँ पे चक्रमर्द जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ पे बथुआ हो गया, देन अगेन वहाँ पे स्पिनेच हो गए हमारे, वहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे नेम्स आते हैं, सच एज वहाँ पे शतावरी मैंने जैसे बोला, एस्परगस रेसिमोसस। ओके, देन अगेन वहाँ पे ऐसे समथिंग आते हैं, दैट इज उन्हें हम शाक वर्ग बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट उनके पूरे प्लांट का यूज़ करते हैं फॉर आवर वेजिटेबल पर्पस। तो शाक वर्ग सच एज बथुआ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये भी रक्त शोधक का काम करते हैं, और जितने भी शाक वर्ग होते हैं, ऐसा बोला गया है कि जो हमारा जो रेनी सीजन होता है, वर्षा ऋतु जो पीरियड होता है, ओके, जहाँ जब रेनी सीजन होता है, जब रेन का जब फॉल होता है, तो उन टाइम पीरियड में, उन ऋतुओं में हमें शाक वर्ग का यूज़ करना चाहिए, जिन शाक वर्ग मीन दैट इज कॉल्ड, जैसे कि शुक्र धान्य, जैसे कि शिमी धान्य यानी शमी धान्य, और जैसे कि शाक वर्ग हो गया, तो ये सभी अलग अलग वेराइटी के क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं अलग अलग, जिनमें हम फ्रूट को वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो शाक वर्ग पूरे प्लांट का यूज़ करते हैं फॉर आवर वेजिटेबल पर्पस। ओके, तो जो शाक वर्ग होते हैं, इन प्लांट का हमें एज वेजिटेबल्स हमें यूज़ करना चाहिए इन रेनी सीजन, क्योंकि इनमें जो आयरन कंटेंट होता है, इनमें जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं, फ्लेविनॉइड्स क्या होते हैं, रसायन की एक्टिविटीज हो करते हैं, रसायन की एक्टिविटी मतलब रिजुविनेट टू द बॉडी, जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम। ओके, तो जितने भी शाक वर्ग के प्लांट आते हैं, इनका हमें रेनी सीजन में इनका हमें नित्य सेवन करना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द बथुआ, ऐसा एक ड्रग होता है जिन्हें हम नित्य सेवनीय द्रव्य में यूज़ कर सकते हैं। जितने भी शाक वर्ग आते हैं सभी का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बथुआ जो होता है ये वहाँ पे नित्य हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी ऋतु के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा जो रेनी सीजन जो मैं अभी जस्ट मैंने बताया, तो उनमें हम सभी शाक वर्गों का यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन। ओके, तो ऑल अबोव मेंशन आहार इज अ नित्य सेवनीय द्रव्य। ओके, तो ऑल हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ ऑल दोषास एंड नॉट विशिएट एनी दोषास। ओके, तो कोई विशेषण दोष यानी कि कोई भी विशेषण, कोई भी प्रकोपित, तो दोष का प्रकोपित कैसे होता है, दोष या तो क्षीण होंगे या फिर उनकी वृद्धि होती है। ओके, तो दोषों का काम जो होता है, या तो वो अपने जो काम करते हैं नॉर्मल जो फ्लो करते हैं, या फिर जो नॉर्मल जो उनका काम होता है, अलग अलग काम बताए गए अलग अलग दोषों का, तो वात जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो सभी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, पल्स के मूवमेंट को हो गए, न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होता है थ्रू आवर इंटेस्टाइन, तो वो सभी सेल्स को सेल्स के पास पहुंचाना, और जितने भी फंक्शन आते हैं। ओके, तो हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्शन का जो काम होता है, वो उसको कंट्रोल करना, ये वायु का काम होता है। ओके, और जो फीसेस होते हैं उनको बाहर निकालना, जो आप एयर इंटर कर रहे हो अपने थ्रू द नेजल रूट, थ्रू द इनहेलेशन पर्पस, थ्रू द इनहेलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप ले रहे हो, तो इनको अंदर लेना, क्या बाहर निकालना है, क्या अंदर लेना है। ओके, तो दैट इज़ ऑल हेल्प बाय अवर वात दोषास, दैट इज़ हेल्प बाय अवर वायु। ओके, जो पित्त दोष रेस्पॉन्सिबल होता है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, मेटाबॉलिज्म, कि ग्लूकोज हमारे पास आया है तो ग्लूकोज से कैसे एटीपी में कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, और वहाँ पे 38 एटीपी रिमूव होती है, दैट इज़ यू ऑल नो दैट, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो रिलीज। ओके, तो आपको ये भी मालूम है, लेकिन कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्लूकोज से एटीपी हो रही है वो पित्त दोष रेस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिज्म सच एज कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, तो ज़्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज फॉर्म हुआ है तो उसको ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ स्टोर कार्बोहाइड्रेट मसल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर उसको स्टोर करके रखना, ये पित्त दोष का रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो कन्वर्जन वहाँ पे सच एज लैक्टोज अगर बॉडी के अंदर आए तो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना, तो ये सभी जितने भी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं ये सभी पित्त दोष के काम होते हैं। तो अगर अगेन मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, तो जो
आँखों के अंदर जो एक यानी कि जो हम विजल यानी कि विजन के थ्रू जो हम परसेप्स करते हैं यानी कि विजन के जो परसेप्शन होते हैं, तो ड्यूरिंग परसेप्शन क्या होता है, हम किसी भी थिंग्स को वहाँ पे ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करके ऑप्टिक नर्व जो हम थियरी जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो होता है स्टिमुलाई को अपने अंदर लेता है जो कि प्रोड्यूस होता है आईबॉल के अंदर, और आईबॉल के अंदर वो स्टिमुलाई यानी कि इम्पल्स कैरीड आउट होता है इन टू द ब्रेन, और ब्रेन में क्या होता है अल्टीमेटली उसको रिकॉग्नाइजेशन होता है, और अल्टीमेटली हमें वो विजुलाइजेशन हमें वो परसेप्शन नोन होता है यानी कि हमें पता चलता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी सेम थियरी है, दैट इज़ नॉट डिफरेंट वन। ओके, वहाँ पे क्या होता है जो आप देख रहे हो जो आप अल्टीमेटली परसेप्ट कर रहे हो तो उसको वहाँ पे एक उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्ड जो होता है पित्तदोष करता है, पित्तदोष रिकॉर्ड करके क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है, वहाँ पे कन्वर्जन का काम कर रहा है। तो दैट इज नथिंग बट आपने जो परसेप्ट किया, आपने जो लिया, आपने जो ग्रहण किया, उसको कन्वर्जन का जो काम होता है वो पित्तदोष का काम करता है। ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो पित्तदोष कैरी आउट करता है। कफ दोष होता है वो अल्टीमेटली स्थिरता बॉडी के अंदर आता है। ओके, वहाँ पे जितने भी स्टेबिलिटी जो बॉडी के अंदर होती है उनका कंट्रोल करता है, अगर पल्स रेट हाई हो गया तो कफ दोष जो होता है उसको मेंटेन करता है। ओके, जो हमारे जो जितने भी संधिस होती हैं जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो कफ होता है उनको हम श्लेषक कफ बोलते हैं, और वो क्या करते हैं जॉइंट्स के जो बिटवीन द जॉइंट्स जो टू बोन फ्यूज जो हुए रहते हैं जो बिटवीन द जॉइंट्स जो बोनों का आर्टिकुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ सम फ्लूइड्स, तो वही फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं कफ बोलते हैं, और वो क्या करते हैं वो आर्टिकुलेशन ऑफ बोथ द जॉइंट्स यानी कि जो जॉइंट्स की वजह से जो संधि बनी हुई है उनके बीच में कोई घर्षण ना हो, कोई वहाँ पे समथिंग वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि जब इनका दोनों का तो पहले आपको मालूम है कि वहाँ पे आर्टिकुलेशन नहीं होता है, दोनों सेपरेट होते हैं, तो वो दोनों का वहाँ पे आर्टिकुलेशन फ्यूजन ना हो तो उनको वो प्रिवेंट करते हैं, दैट इज प्रिवेंटेड बाय अवर कफ दोषास। ओके, तो जैसे कि ब्रेन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है CSF होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं अपना तर्पक कफ बोलते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कफ आर देयर। ओके, तो डिफरेंट टाइप से आपको रिलेशन नहीं रखना है, दैट इज़ यू ऑल नो दैट कफ जो होता है वो स्थिरता स्टेबिलिटी कंट्रोल ये सभी को कंट्रोल करता है। ओके, इट शुड बी डेली कंज्यूम। ओके, तो आपको ये शीलनित ऐसा एक श्लोक में आता है, श्लोक में शीलनित एक वर्ड आया हुआ है, इनका यानी कि शीलन करना है, इनको आपको डेली अभ्यास करना है, इनका डेली आपको कंज्यूम करना है। ओके, अब हम देखेंगे अनित्य सेवनीय द्रव्य यानी कि जो अपथ्य है जो हमें डेली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें वंस इन अ वीक वंस इन अ मंथ यानी या फिर वंस इन अ सिक्स मंथ या फिर वंस इन अ ईयर जो भी आप बोलो, तो वहाँ पे अगर आपको यूज़ भी करना है तो वंस इन अ वीक आप यूज़ कर सकते हो एक महीने में या फिर सिक्स मंथ में, आपको डेली कंज्यूम इनका नहीं करना। ओके, तो इट शुड बी प्रिवेंटेड इन डेली बेसिस। ओके, तो शुड नॉट डेली कंज्यूम नॉट कंज्यूम ऑन द डेली बेसिस, अगेन दैट इज सेम मीनिंग, तो वंस इन अ वीक वंस इन अ मंथ। ओके, तो हफ्ते ओके, तो वीकेंड में आप इसका यूज़ कर सकते हो अनित्य सेवनीय द्रव्य फॉर योर इन्जॉइंग पर्पस, मंथ एंड में आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो न शीलनीयत। ओके, जैसे कि उसका शीलन करते थे हम नित्य सेवनीय द्रव्य का, अनित्य सेवनीय द्रव्य का हमें न शीलियत यानी कि डोंट डू हैबिट टू ईट सच काइंड ऑफ द्रव्य। ओके, तो इनका हैबिट हमें नहीं रखना है, इनका हमें आदत नहीं डालना है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज़ अ न शीलियत। तो कौन कौन से द्रव्य हैं उनको भी देख लेते हैं, तो किलाट ओके जिन्हें हम मटर बोलते हैं, तो मटर जो द्रव्य होते हैं वात वर्धक होते हैं, वात का प्रकोप करते हैं, इसलिए किलाट का यूज़ नहीं करना है, किलाट दैट इज कॉल्ड एज अ मटर पीस जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो जो कि लेग्यूमिनसी फैमिली के अंतर्गत आता है, लेग्यूम्स होते हैं फली होती हैं। ओके, तो जिन्हें हम पल्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो दधी ओके दधी यानी कि कर्ड भी डेली बेसिस पर इसका कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कर्ड होता है वो जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इंटरनली वहाँ पे वो स्टिक होते हैं, और जब इंटरनली जब ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्टिक होते हैं यानी कि ये पिछले द्रव्य है। ओके, तो लेपने है पिछलाहा, एक श्लोक है लेपने है पिछलाहा, यानी कि वो क्या करते हैं इंटरनली ब्लड वेसल्स के अंदर लेपन का काम करते हैं, उनको ढकते जाते हैं, मतलब उसको कवर करते रहते हैं, तो जो लूमेन होती है जो अल्टीमेटली जो कैविटी बनती है इनसाइड दैट ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड के प्लाज्मा और जो ब्लड सेल्स यानी कि अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम जो फ्लो होता है यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है वो वहाँ पे कम हो जाती है, यानी कि उनकी अल्टीमेटली जो हम टर्मिनोलॉजी आज के मॉडर्न के टाइम में यूज़ करते हैं सच एज इन्फार्क्शन इस्चिमिया
वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, तो ये सभी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। थ्रोम्बोसिस वहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का, सच एज अगर कोई एथेरोमा फॉर्म हुआ है या फिर वहाँ पे कोई प्लेक फॉर्म हुआ है, प्लेक मतलब अल्टीमेटली दधी की वजह से हो गया। मॉडर्न में वहाँ पे फैट जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस बताया गया है, तो वहाँ पे आयुर्वेद के अंदर भी सेम थियोरी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वे में बताया जाता है। तो जो दधी होती है, जो कर्ड होता है, वो पिछले द्रव्य का होता है, लेपन का करने का काम करता है। इंटरनली बॉडी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके ऊपर इंटरनली वो क्या करते हैं, लेपन करने का काम करते हैं। और अल्टीमेटली जो आरबीसी के जो सेल्स होते हैं उनको जब प्रॉपर वे नहीं मिलेगा, प्रॉपर उनका वहाँ पे रूट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे वहाँ पे कोगुलेट और यू कैन से दैट कलेक्ट होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस का जब एक बार फॉर्म हो गया तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो वहाँ पे इस्चीमिया इन्फॉक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस्चीमिया मतलब होता है कि अल्टीमेटली जब लूमेन कम रहेगी तो आरबीसी जो होगी वो कम क्वांटिटी में सेल्स के पास पहुँचेगी, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इस्चीमिया। द ब्लड सप्लाई, द आरबीसी सप्लाई टू सेल्स इफ डिक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड द इस्चीमिया। ओके, इन्फॉक्शन मतलब ये होता है कि जब आरबीसी जब कम पहुँचा सेल्स के पास, तो सेल बिकम अनेबल टू परफॉर्म देयर मेटाबोलिज्म, सेल अनेबल टू परफॉर्म द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द एटीपी। ओके, दैट्स व्हाई दे आर अंडर इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। ओके, तो इनकी डेथ होने लगती है, इनके प्रोसेस को हम बोलते हैं, डेथ होने की जो प्रोसेस होती है इनको हम बोलते हैं इन्फॉक्शन। तो इन्फॉक्शन, इस्चीमिया, थ्रोम्बस, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं अगर हम दधी नित्य सेवनी द्रव्य के जैसे कंटेंट मैंने बताया था, अगर आप इनका वैसे यूज़ करोगे, यानी कि इनका नित्य द्रव्य यूज़ करोगे, यानी कि रेगुलर बेसिस पर अगर इनका यूज़ करोगे तो। ओके, तो क्षार, ओके, क्षार मतलब अगेन वहाँ पे जैसे कि जो भस्म जो द्रव्य होते हैं, जो कि उष्ण तीक्ष्ण जो द्रव्य होते हैं, तो अल्टीमेटली उनका हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, तो क्षार मतलब जैसे कि जो कैल्शियम, ओके, जो चूना जैसे होते तो वो भी क्षार द्रव्य होता है। ओके, माश जैसे मुद्ग यूज मैंने बताया था, शमी धान्य में जिन्हें शमी धान्य बोलो या फिर शमी धान्य बोलो, अल्टीमेटली उन्हें हम पल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। पल्स मत नॉट पल्स वेग, ओके, पल्स इज अंडर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके, पल्सेस, ओके, पल्सेस मीन्स दैट इज दाल की फैमिली। ओके, पल्सेस लेग्यूमिनेसी की फैमिली, तो उनमें हम बोलते हैं माश यानी कि उड़द दाल। तो इट इज़ अ ओरसेंट जो हमारा ओस्ट जो हमारा जो दाल की वेराइटी में आता है। ओके, तो उनमें हमारा माश यानी कि उड़द दाल होता है। इंस्टेंट इट हैज़ अ वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सच एस, वहाँ पे जो रिजुवेनेटिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, ये रिजुवेनेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है, इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, एफ्रोडाइसिक मतलब मीन्स वाजीकरण। तो ये स्पर्म काउंट, ओबम के प्रॉपर्टीज यानी कि ओबम को जो प्रोडक्शन होता है उनको इंक्रीज करता है, यानी कि शुक्र वर्धक है। तो शुक्र, अगर मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ तो नॉट शुक्र इज नॉट ओनली मीन स्पर्म, शुक्र मीन्स ओबम ऑल्सो। ओके, तो शुक्र वर्धक है, एफ्रोडाइसिक ड्रग है। ओके, लेकिन ये बहुत वातवर्धक करता है। लेकिन जो अतिसार होता है, अतिसार थोड़ा सा मतलब जो हम प्रॉब्लम करते हैं कि हमें स्टूल प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो स्टूल प्रॉपर फॉर्मेशन करने के लिए यानी कि ये स्टूल की वृद्धि करता है, यानी कि ये मल की वृद्धि करता है, यानी कि अतिसार इससे देखने को मिलता है। और जो मुद्ग यूज था यानी कि जो मूंग दाल जिसे हम बोलते हैं, वो अतिसार का प्रबंधक होता है, यानी कि अतिसार का जो होता है मैनेजमेंट होता है, अतिसार में उपयोग करते हैं उसको। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई व्याधि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कले का मतलब ये है कि उड़द दाल जिन्हें हम माश बोलते हैं, इनका रेगुलर बेसिस पर आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, तो अनित्य सेवनी द्रव्य के अंतर्गत वो आता है। शुक्त मतलब ये भी एक वैरायटी होती है, मध्य की वैरायटी होती है, यानी अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है ये, कि जो अल्कोहल ज़्यादा टाइम हो गए उनको एक्सपायरी डेट उसके नज़दीक आ गई है, तो वो जो शुक्त रहते हैं वो जो मध्य होते हैं थोड़े से अम्ल रस के हो जाते हैं। तो अम्ल रस के जो मध्य होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनका वहाँ पे जो जितने भी कंटेंट उनमें बताए जाते हैं, अच्छे कंटेंट जो भी कुछ रहते हैं वो उनमें विषमता आती है, यानी कि वहाँ पे वो अच्छे नहीं रहते। कहने का मतलब ये कि वो अच्छे नहीं रहते, यानी कि शुक्त यानी कि वैरायटी ऑफ सॉरी एक वैरायटी होती है मध्य का, यानी कि अल्कोहल का अल्कोहलिक प्रिपरेशन का, जिन्हें हम शुक्त बोलते हैं, जो कि ख़राब वैरायटी के वो मध्य होती है उनको हम शुक्त बोलते हैं। तो वैसे मध्य या फिर जो नॉर्मल मध्य होता है उनको हमें रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करना है। ओके, आम मूल मतलब रेफिनस सताइवस, जिन्हें हम मूली बोलते हैं। ओके, तो आम मूल मतलब कच्ची मूली जिसे हम बोलते हैं रेफिनस सताइवम। ओके, तो उनका हमें डेली कंज्यूम नहीं करना है। कृष्ण सॉरी कुरुष शुष्क मांसम ऑफ पिग, शीप,
काउ फिश एंड बुफेलो। ओके, तो कृश मतलब दुबले पतले अगर ये सभी जानवर रहते हैं, ये सभी अगर वो एनिमल्स रहते हैं तो इनके मांस आपको नहीं खाना है। ओके, तो कृश शुष्क मांस ऑफ पिग। ओके, पिग यू ऑल नो दैट वरा शुअर। शिप मतलब यू ऑल नो दैट भेड। काउ यू ऑल नो दैट गाय। ओके, फिश दैट इज कॉल्ड मत्स्य एंड द बुफेलो दैट इज कॉल्ड भैंस। ओके, द विरुण मतलब होता है स्प्राउट आहार। ओके, तो स्प्राउट आहार जैसे कि ग्राम हो गए हमारे। ओके, तो ग्राम यानी कि चने, तो जो हम स्प्राउट करके हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो स्प्राउट जो आहार होते हैं वो हमें यूज़ नहीं करना। ओके, पिष्टमय पदार्थ। पिष्टमय पदार्थ मतलब जो कि जैसे कि ये भी जो चिपचिपे जो हम पदार्थ बोलते हैं, जो पिछले जो पदार्थ बोलते हैं उनको हम पिष्टमय पदार्थ बोलते हैं। तो पिष्टमय पदार्थ वो भी क्या होते हैं, इंटरनली ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकते हैं, स्टिक होते हैं, और वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन एडर्मा फॉर्मेशन वो इंटरनली ब्लड वेसल्स के अंदर करते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फेक्शन इक्सीमिया और जो थ्रोम्बोसिस जो मैंने बताया था, तो थ्रोम्बोसिस से एम्बोलस भी बनता है। अल्टीमेटली जो वहाँ पे कलेक्टेड जो पार्ट बना था, तो ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड वहाँ पे क्या होता है, कलेक्टेड जो पार्ट था उनमें से कुछ पार्ट अलग जगह पे जाके कलेक्ट होता है और कुछ पार्ट अलग जगह पे जाके कलेक्ट होता है। अल्टीमेटली डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके क्या होता है, प्लेक की फॉर्मेशन करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इम्बोलस बोलते हैं। तो थ्रोम्बस, इम्बोलस, देन इक्सीमिया, देन इन्फेक्शन, तो ऐसे वहाँ पे साइकिल हमें देखने को मिलता है जो कि एक सेल्स के डेथ की एक साइकिल होती है। तो ओके, तो पिष्टमय पदार्थ जिन्हें हम बोलते हैं कि जो कि चिपचिपे पदार्थ होते हैं, तो इनको हम जैसे कि मुंबईकर्स के लिए जो मुंबई में जो फेमस वड़ा पाव रहता है, और जो हमारे जो अल्टीमेटली जो पकौड़ेज होते हैं, तो ये सभी मैदे से बने हुए थे, या फिर वहाँ पे अगर आप व्हीट फ्लोर का भी यूज़ करके बहुत सारे सच काइंड ऑफ वहाँ पे स्पाइसेस बनाए जाते हैं, सच काइंड ऑफ वहाँ पे अलग अलग मधुर रसात्मक आहार बनाए जाते हैं, तो अल्टीमेटली पिष्टमय पदार्थ जो रहते हैं, चिपचिपे पदार्थ इंक्लूड उनके अंतर्गत आते हैं, तो उनका हमें नित्य सेवन द्रव्य नहीं करना है, उनको हमें नित्य यूज़ नहीं करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अनित्य सेवनीय द्रव्य। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर नित्य एंड अनित्य सेवनीय द्रव्य। नित्य सेवनीय द्रव्य इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अस, एंड अनित्य सेवनीय द्रव्य वो नॉन बेनिफिशियल रहता है, वो अल्टीमेटली आप एक दिन खाओगे, आप अगर ऐसा बोलोगे कि अनित्य सेवनीय द्रव्य हमने खाया लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, दही हम रोज़ खाते हैं, अल्टीमेटली स्प्राउट फ्रूट हम रोज़ खाते हैं, तो ये रोज़ खाने से वहाँ पे आपको अल्टीमेटली एक दो दिन में या फिर ईयर मंथ में आपको उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो अल्टीमेटली वो आफ्टर दैट जब एजिंग की प्रॉपर्टीज आती है, एजिंग के जब कैरेक्टर आते हैं, तो आफ्टर दैट 10 ईयर, आफ्टर दैट 15 ईयर, तो अल्टीमेटली जो है अल्टीमेटली वहाँ पे जो हमें एक प्रॉब्लम हमें सडनली आ जाता है, तो अल्टीमेटली ये से भी कारण रहते कि वहाँ पे बिना सोचे समझे या फिर बिना जाने हमें जो एक डिसीज़ का एक कारण होता है, तो अल्टीमेटली यही सब कारण होते हैं जो अनित्य सेवनीय द्रव्य को जो हम कन्वर्ट करते हैं नित्य के अंदर, ओके, जो कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर नित्य एंड अनित्य सेवनीय द्रव्य।